हाय दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बाइक को घर पे कैसे सर्विस किया जाता है। इसके लिए आपको बाहर जाके टाइम और मनी का वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। बाइक के साथ जो टूल्स आता है उससे ही आपका काम चल जाएगा। तो बाइक जैसा भाई बाइक हो, सर्विस तो एक ही तरह का होता है, जिसमें हम लोग ब्रेक एडजस्ट करते हैं, क्लच को एडजस्ट करते हैं, इंजन ऑयल चेंज करते हैं, इंजन ऑयल का फिल्टर किसी किसी बाइक का चेंज करना पड़ता है, उसके बाद कार्बोरेटर को एडजस्ट करना पड़ता है, एयर फिल्टर क्लीन करना पड़ता है, चेन एडजस्ट करना पड़ता है, चेन क्लीन करना पड़ता है, गाड़ी को भी क्लीन करना पड़ता है। तो ये सारा बेसिक जो चीज़ है यही टोटल सर्विस में रहते हैं। काफ़ी इजी है, आप लोग खुद ही कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बाइक के साथ क्या क्या टूल्स आते हैं। इसको पहले इस तरफ खींचना पड़ेगा, उसके बाद इसको पीछे की तरफ ढेलना पड़ेगा। बस आ गया, यहाँ पे टूल्स रहते हैं। यहाँ पे अगर खोलोगे खुल जाएगा मेडिपैक किट। तो इसको खोल लिया, एक आया, इस सारे चीज़ों से काम हो जाएगा। पहले क्लच चेक कर लेते हैं, क्लच को हम लोग दबा के देखेंगे कितना फॉल्स है। ये रहा इतना सा फॉल्स, थोड़ा ज़्यादा फॉल्स है, इतना फॉल्स नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा फॉल्स रहेगा, पूरा टाइट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि इतना ही रह रहा है, जोर से यहाँ से ही दब रहा है, और ऐसा भी नहीं है जो इतना आ जाएगा इसके बाद दब रहा है इतना फिर फॉल्स रहेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ऐसा इतना सा फॉल्स रहेगा उसके बाद दबेगा, ऐसा रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो पहले हम इसको ढीला करेंगे। देखिए ये लूज़ हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक पैसा लेंगे, इसको सटाएंगे। आ गया, खुल गया। अभी हम लोग इसको हाथी से टाइट कर देंगे, करके देखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा टाइट हो गया, थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। देखिए अभी थोड़ा सा बस इतना सा फॉल्स रह गया, दब रहा है। ये हो गया हमारा क्लच का सेटिंग। उसके बाद हम लोग इसका एडजस्टमेंट देखेंगे, इसका एडजस्टमेंट सही है क्या नहीं। पर इसके लिए पहले हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए ये वाला एक्सेलेटर का केबिन ऐसे पिकअप बढ़ता है। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पहले हम लोग 2-3 मिनट गाड़ी को ऐसे ही स्टार्ट रहने देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या स्टार्टिंग का जो एक किक आ रहा है ये सही है कि नहीं, ज़्यादा इससे कम हो जा रहा है, इतना कम नहीं रहना चाहिए। देखिए साउंड, और ज़्यादा रहेगा तो ऐसा ज़्यादा भी रहता है, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग 2-3 मिनट स्टार्ट कर लेंगे, आइडियल पोजीशन पे आने के बाद इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे घूमने से। ये रहा, हो गया ठीक है। मेरा तो तेल बंद ही था, अभी तेल बंद ही रहेगा, अगर चालू है तो तेल को बंद कर लीजिए। उसके बाद एकदम नीचे ये जो स्क्रू है इसको हम लोग खोल देंगे। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर अगर टैंक से पानी या कुछ कचरा इस पे जाता है कार्बोरेटर पे, तो यह नीचे जमा होता है ठीक है। तो इसको खोल देने से सब नीचे
नीचे निकल जाएगा। इधर एक पाइप है, ऊपर दिखाता हूँ, ये वाला जो पाइप है इससे निकल जाएगा सब कुछ। देखिए कचरा निकल रहा है। इसको खोल देंगे, खोलने से यहाँ पे जो मैल था वो सब निकल जाएगा। पानी, मैल, धूल कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ से निकल जाएगा। हो गया, तो अभी इसको फिर से टाइट कर देंगे हम लोग। जोर से टाइट कर दिया, अभी इसको जैसे पोजीशन में था ऐसा कर दूंगा। अभी हम लोग इसका जो एयर फिल्टर है उसको हम लोग क्लीन करेंगे, उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा, ये वाला। तो अभी इसको खोल लेंगे, एयर फिल्टर, इसको क्लीन करेंगे। यह है मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल। तो डीजल रहता तो सबसे बढ़िया रहता, लेकिन घर पे तो सबके अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इससे दिखा रहा हूँ। तो इसको इसमें डीप कर लेंगे। डीप कर लिया, अभी देखिए कितना गंदगी निकलेगा। देखिए पूरा ब्लैक हो गया। फिर से करेंगे, अभी इसको सोखने के लिए छोड़ देंगे हवा में। और इसको आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इसका काम अभी भी बाकी है। इससे हम लोग चेन क्लीन करेंगे। चेन क्लीन करने के लिए भी डीजल बढ़िया रहता है, लेकिन हम लोगों के पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, सबके पास नहीं है, इसलिए हम लोग मिट्टी का ऑयल यूज़ करेंगे। स्पार्क प्लग को खोलेंगे, इसके लिए इसको घुसाना पड़ेगा अंदर। घुस गया, अभी ऐसे करके तो इसको सैंड पेपर से घिसना पड़ता है, लेकिन मेरा तो क्लीन ही है तो इससे ही थोड़ा सा घिस लूँगा। और गैप थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, और थोड़ा सा कम होता है, इसलिए गैप को भी थोड़ा सा कम कर लूँगा। अभी इसको लगा देंगे। अभी इसको हम लगा देंगे। तो चेन को क्लीन करेंगे, उसके लिए लेंगे थोड़ा सा मिट्टी का तेल, उसमें डालेंगे पानी। आ गया, अब एक खराब सा ब्रश लेंगे,
मेरे पास है ये वाला ब्रश, ये आपको ऑनलाइन में 200 रुपये में मिल जाएगा। इससे बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। देखिए इसको डीप करेंगे। इसको जब गाड़ी धोएंगे तो यार पानी के प्रेशर से इसमें मारेंगे तो ज़्यादा जो भी कचरा है सब इससे निकल जाएगा। अभी हम लोग इस चेन को एडजस्ट करेंगे। देखिए बहुत ढीला है, इसको टाइट करना पड़ेगा। एकदम हिलेगा नहीं, ऐसा टाइट मत करना, थोड़ा सा ऐसा हिलेगा, ऐसा रखना चाहिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है इसलिए इसको टाइट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको खोलेंगे, इसको ऐसे लगा के, इसको घुला के, पूरा लूज करना है इसको। चक्का लूज हो गया। तो अभी इस तरफ से अभी ये वाला और इस तरफ का ये वाला, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके टाइट करेंगे। अभी देखिए चेन कैसा टाइट हुआ। देखिए बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, इसको लूज करना पड़ेगा। अभी ये ठीक है, तो ब्रेक शू टाइट करने के लिए ब्रेक को इसको टाइट करना पड़ेगा। हाँ टाइट हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा इंजन ऑयल चेंज करने का टाइम है। बाकी सब तो हो ही चुका है, इंजन ऑयल चेंज होगा उसके बाद गाड़ी वॉश होगा उसके बाद कंप्लीट। चलिए इंजन ऑयल चेंज करते हैं। उसके लिए नीचे चले ये वाला जो, इसको खोलना पड़ेगा, इसको, इससे इंजन ऑयल ड्रेन होगा। बड़ा वाला है दो साइड पे, दो छोटा है, मिडिल में जो बड़ा है इसको खोलना पड़ेगा, इससे ऑयल निकल जाएगा। जाएगा नहीं है। तो इसको खोलने के लिए हम लोगों को चाहिए 16 नंबर का डल रेंच, ओपन हेड स्पैनर, जो भी कह लो। तो बस यही एक ही चीज़ के लिए हम लोगों को बाहर से एक स्पैनर चाहिए होगा। अभी हम लोग इसको खोलेंगे।
अब ये देखिए, इसमें यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है और सारा कचरा यहाँ पे आके रुक जाता है, इसको साफ करना है। आटा भी देता है। अभी हम लोग नया इंजन ऑयल लेंगे, ये है 1.15 लीटर। কি পে ধরে একটা নি কর, अभी গাড়ি পুরা সুখ চুকা হে। इसमें हम लोग पॉलिश लगाएंगे, ये वाला यूज करेंगे ऑक्सपोल, एक मोम का परत ऊपर हो जाएगा, इससे छोटे मोटे स्क्रैचेस लगने का चांसेस कम जाता है और साइन भी अच्छा आता है। पहले इसको अच्छे से हिला लेना है, उसके बाद साफ एक कपड़ा लेके इसमें पूरा भिगा के अच्छे से लगा देना है, उसके बाद इसको सोखने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा सूख जाए तो उसके बाद इसको अच्छे से घिसेंगे एक कपड़े से तो साइन आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एक छोटा कपड़ा लेके उसमें ऐसे लगा ले, ऐसा पूरा भिगा लेना है, पूरा गाड़ी में ऐसे भिगो लीजिए, उसके बाद थोड़े देर तक सूखने दीजिए। देखिए ये पूरा सूख चुका है, चलिए अभी इसको घिसते हैं। ये जब तक घिस रहा है, चलिए हम लोग गाड़ी में चेन स्प्रे लगा लेते हैं, इसके लिए गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी को गियर में डालेंगे, रेस बहुत कम है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको भी अच्छी तरह से कर लीजिए। तो लास्ट में एक ही बात बताना है कि गाड़ी अगर नया हो तो पॉलिश मत यूज़ कीजिए और गाड़ी ज़्यादा धोना भी अच्छा नहीं रहता है कलर के लिए। नया गाड़ी हो तो बस पानी यूज़ कीजिए, शैम्पू मत यूज़ कीजिए, ठीक है। नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।